नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। इस्लाम प्रचारक जाकिर नाइक के भारत लौटने पर सस्पेंस, सूत्रों के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सफाई करेगा पेश। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से ही घाटी में तनाव बरकरार, हिंसा में अब तक 23 लोगों की मौत, श्रीनगर में 11 जगहों पर कर्फ्यू, परेशानी के चलते वापस घर लौट रहे हैं अमरनाथ यात्री। केन्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुनिया को संदेश, कहा आतंकवाद के खिलाफ एक साथ आए मानवता के हिमायती, मोदी ने आतंकवाद को बताया बड़ी चुनौती। मिशन उत्तर प्रदेश को लेकर कानपुर में संघ की अहम बैठक शुरू, राष्ट्रवाद का बिगुल फूंकते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा राष्ट्र के विकास में आतंकवाद बनता है बाधक। दिल्ली एयरपोर्ट पर सामने आया नस्लीय भेदभाव का मामला, एफबी पर मणिपुर की लड़की ने इमिग्रेशन ऑफिसर पर लगाया आरोप, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मांगी माफी। अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने से भड़का उत्तर कोरिया, अमेरिका के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का किया ऐलान। पुर्तगाल बना यूरो कप का विजेता, रोमांचक मुकाबले में फ्रांस को 1-0 से हराया, सड़क पर समर्थकों का जश्न। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।